Assalamualaikum, कसौटी एट ओपन माइक कैफे में मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर रूबा और आज से हमें वापस ज्वाइन कर रहे हैं FSJ, सो वी वेलकम यू और उनके साथ बैठे हैं आफ्ताब साहब, शकील चौधरी साहब, बब्बू राणा, असद कैफी और डमी म्यूजियम से आए एक अफगानी। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम भाईजान, बहुत मुबारक हो पेजी साहब, वेलकम बैक। ये तादाद बढ़ गई, 90,000 का सोटी तोड़ने का इरादा है आज। मैं खुद बहुत हैरान हूँ कि अगर हम पहले ही बहुत कम हारते हैं, हाँ जी, तो अब FSJ के आने से तो और ज्यादा स्ट्रेंथन होगा मामला। आप हैरान हैं, हम परेशान हैं। We have three giants, पता नहीं कहाँ से लेकर ये लेवल जो है ना और बढ़ेगा, फिर मजीद मुश्किल पर्सनैलिटीज आएंगी और फड्डा पड़ेगा। बहरहाल आज तो ट्रेल ही बैठी थी ना लेकर। इमरान खान के डिबेकल का वाहिद पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। आइए जी, जी अपने पहले चैलेंजर की तरफ चलते हैं जो कि हमारे पास कराची से आए हैं ऑल द वे सिर्फ कसौटी के लिए। वाह वाह, वेरी गुड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? असद। असद साहब आप क्या करते हैं? जी मेरा अपना बिजनेस है। और आपके साथ आपके दोस्त बैठे हैं असद साहब? ये जुल्फिकार साहब। जी जुल्फिकार अली। जी आप भी कराची से तशरीफ लाए? जी कराची से। असद साहब शख्सियत मर्द? जी सर। जिंदा? नहीं सर। एशियाई? जी सर। एक एशियाई जो जिंदा नहीं है, ताल्लुक साउथ एशिया से? जी सर। पाकिस्तान से? जी सर। शोबे पे आए सर, शोबे से पहले हम उस पे जाते हैं कि ये फौत हुए कितना हो गया। वो तो उसको जैसे ग्रेवयार्ड शिफ्ट है, ठीक है, ये ग्रेवयार्ड क्वेश्चन है। शकील साहब स्पेशलाइज। असद साहब वफात को 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं? जी 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं। 72 से पहले? 100 साल पे आइए। 100 साल से ज्यादा? 100 साल से कम हुआ है। 1922 से 1972 के दरमियान। तो फिर इसका मतलब है कि पैदाइश हो सकता है इंडिया में हो, यानी इंडियन ये राज का कुछ हिस्सा इन्होंने अपनी आंखों से देखा है। शोभा इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। शोभा इज इंपॉर्टेंट। ताल्लुक सियासत और हुकूमत से? सर सियासत और हुकूमत से भी कह सकते हैं। वजह शोहरत सियासत और हुकूमत नहीं है? ये सवाल है जी। जी नहीं, ये सवाल नहीं होता कि वजह शोहरत जो है, आपने कहा है कि भी है, तो इसका मतलब है कि वजह शोहरत ये नहीं होगी, कोई और होगी। थोड़ा सा क्लियर कर दें। तो वो ये कहना चाहते हैं कि वजह शोहरत सियासत और हुकूमत भी है और इसके अलावा एक और भी है। और भी है? ये और भी है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। या की वर्ड ये है, कलीद कामयाबी ये है। इल्म फजल, राइटर इल्म फजल हो सकता है, जैसे सियासत और हुकूमत में रहते हुए बंदा राइटर बहुत बड़ा हो जाए। मुख्तार मसूद है इस तरह, वो अपना शाहबनामा वाले शाहबनामा शाहब हैं। सियासतदान हो और सियासतदान टर्न वेरी गुड, जैसे ऐसी मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ कौसर नियाजी है, मौलाना कौसर नियाजी शायर भी थे। यस। वैसे इत्तफाक है कि उन्हें याद ही कोई नहीं करता, एज ए शायर जो है ना, अच्छे खासे शायर थे, जैसे नवाबजादा नसरुल्ला खान, अमीन फहीम। 72 से पहले ये भी हेल्पफुल होगा कि 47 के बाद डेथ हुई। जी गो अहेड। असद साहब इंतकाल 47 के बाद हुआ? जी सर बाद में हुआ है। ओके, तो ही वाज अ पाकिस्तानी नेशनल। सियासतदान थे? सियासतदान भी कह सकते हैं। हां नहीं, सियासतदान फिर नहीं थे। फिर कोई सरकारी अफसर? सरकारी अफसर थे? सर मैं नहीं, ओहदे पे कभी नहीं रहे। सरकारी अफसर नहीं थे और ताल्लुक पंजाब से, कोई बंगाली तो नहीं कहीं? गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं थे अभी तक हमने, दूसरा उनका शोभा जो है वो डिटरमिन नहीं किया। कोई रिलीजियस स्कॉलर हो सकते हैं, शबीर अहमद उस्मानी की तरह? कोई रिलीजियस स्कॉलर? यस। वजह शोहरत? सुलेमान नदवी हो सकते हैं। कराची से आए हैं तो कराची का ही पूछें। ये भी है, पूछ लीजिए ना, नैरो डाउन करें टू द रिलीजियस। पूछिए मजहबी शख्सियत? कोई मजहबी शख्सियत है? जी सर। वेरी गुड। वाह वाह वाह, शकील साहब बिल्कुल, वाह 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 वाह। अब इसको बिल्कुल शकील्स फोर्टे एक्चुअली, अब इसको जो है बिल्कुल फोकस करें। लेकिन जरा FSJ साहब नु रमा हो लेंदे तानू हिलन नहीं दे। दो नाम जो हैं जो आपने लिए, बोथ ऑफ देम डाइड इन द 50s। दो नाम लिए तो इनमें से आप अब कौन-कौन से दो नाम?
शबीर अहमद उस्मानी और सुलेमान नदवी। सुलेमान नदवी, शबीर अहमद उस्मानी, ये दो ही नहीं है, और बड़े बड़े नाम भी हैं। मौलाना अताउल्लाह शाह बुखारी, एहतशामुल्लाह थानवी, अताउल्लाह शाह बुखारी। यस, ये वो पूरी चेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैलेक्सी के ताल्लुक सिंध से। हाँ, एंड लीव गॉड, ताल्लुक सिंध से नहीं सर। देन इट इज माय मनी, पंजाब। एहरार के साथ कोई ताल्लुक है? जी सर। अरे असद की स्माइल बता रही है। असद भाई आपका फिजियोनॉमी बहुत ज्यादा है। मुल्तान से समझ नहीं आई होगी, ये कह रहे हैं कि आपकी फिजियोनॉमी, यानी मैंने आपके चेहरे से, हमने नहीं पढ़ा, शकील साहब ने क्लू दे दिया। और इंतहाई शोला बयां मुकर्रर थे। बिल्कुल सर। स्पेल बाइंडिंग, स्पेल बाइंडिंग, अताउल्लाह शाह बुखारी। बिल्कुल सर। लो भाई जान, मैंने अंदाजा लगाया जितने कसौटी हो गए आज, सारे कसौटी को लगता है पोलियो होगा। अताउल्लाह शाह बुखारी बहुत बड़े स्पीकर थे और कहते हैं उर्दू जबान के सबसे बड़े स्पीकर। शोला बयां मुकर्रर, इशा के बाद तकरीर शुरू करते थे और फजर की अजान हो जाती थी और लोग उठ के नहीं जाते थे। इतनी लंबी, यस, बिल्कुल मशहूर कर देते थे मजमे को। और उनकी एक और बड़ी मशहूर कोटेशन है कि मेरी आधी जिंदगी जेल में गुजरी और आधी रेल में। मुझे इस बात की खुशी है कि इसी बहाने हम इन बहुत बड़ी हस्तियों को ट्रिब्यूट भी पेश करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही, तस्करा नहीं होता उनका। सही गल है, सी कसौटी की सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन ये है कि यंगस्टर्स को अपनी तारीख का एक दर वा करके, एक विस्टा खोल के, हम कहते हैं झांक के तो देखो, हाउ इंटरेस्टिंग इट इज। बिल्कुल सर जी, जनाब। लेकिन सर इसके साथ साथ अब हम पर्सनैलिटीज के अलावा मॉडिफिकेशन करने लगे अपने शो में। आप इसमें किताबें ऐड कीजिए जी, क्योंकि दोनों तो चलती फिरती लाइब्रेरी हैं। सही बात। और फिर खास तौर पे हम FSJ मतलब है बदनामी की हद तक वेल रेड आदमी है। आई लव हिम टू। इस कदर किताब दोस्त हैं ये कि इसमें तो शकील और मैं इस हवाले से इनका मुकाबला नहीं करते, लेकिन हो सकता है इनकी मेमोरी इतनी शार्प ना हो। ये भी तो होता है ना उस टाइम पे वहां पहुंचना, तो जगह भी डाल सकते हैं आप जी, लेकिन जगह बहुत कंफ्यूज करती है हर दफा। पिरामिड्स नहीं होते हर दफा, बस वंडर्स तो फिर साथ हुए ना, उसके अलावा फिर बहुत कुछ आएगा। जगह के बजाय हम किताबें, शख्सियात, ये ज्यादा बेहतर है। और हम इसमें फिर ये भी ऐड कर देंगे जो इस्तारे हैं, जो एब्स्ट्रैक्ट पर्सनालिटीज हैं, ठीक है ना, हम उन्हें भी इसमें ऐड कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट पर्सनालिटी पर बट मारूफ मारूफ होगी, ये तो शर्त है। बहुत से दोस्त नाराज हो जाते हैं कि यार इतनी अहम शख्सियत, वो आपके नजदीक, हमारे नजदीक इंतहाई अहम, सर आंखों पे, लेकिन अगर जनरल पब्लिक की अक्सरियत ना वाकिफ है तो यकीन कीजिए 7 मिनट 8 मिनट आपने उन्हें बोर किया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम फवाद अहमद है। मेरे दाएं तरफ बैठे हैं रजा मुख्तार, इनका ताल्लुक भी मीडिया से है, और मेरे बाएं तरफ बैठे हैं रिजवान, इनका ताल्लुक MSc जो है वो इन्होंने हिस्ट्री में की हुई है। सो आप लाहौर से हैं सारे? जी बिल्कुल, हमारा ताल्लुक लाहौर से है तीनों का। वैसे मैं खास तौर पर दुबई से आया हूँ इस प्रोग्राम के लिए। शख्सियत मर्द? जी बिल्कुल। जिंदा? नहीं। एशियाई? जी एशियाई। ताल्लुक जनूबी एशिया से? जी जनूबी एशिया से। इंडिया से? जी इंडिया से भी है। जी है, इंडिया से भी है, तो दूसरा ताल्लुक फिर पाकिस्तान। पीरियड मेरे ख्याल में इंतकाल को 75 साल, 75 कर दें, इंतकाल को 75 साल हो चुके हैं। जी नहीं, फिर इसका मतलब है पाकिस्तान। यस, ब्रिटिश इंडिया एंड पाकिस्तान। पाकिस्तानी नेशनल पूछ नहीं है, पूछने की गुंजाइश नहीं है। नहीं नहीं, पूछने की जरूरत नहीं है। 50 साल करेंगे तो वो डिवाइड हो जाएगा, 47 से 72 हो जाएगा। नहीं तो अब क्या करें, सवाल क्या होना चाहिए? नहीं, पाकिस्तानी नेशनल थे कि इंडियन नेशनल थे वो? अब हमें नेशनैलिटी डिटरमिन करना जरूरी है। फवाद साहब, वाजी या पाकिस्तानी नेशनल? जी पाकिस्तानी नेशनल। ठीक हो गया। ताल्लुक सियासत और हुकूमत से? जी बिल्कुल। अच्छा, इंतकाल को अरसा पूछे ना, वो उन्होंने पूछ लिया सर, आपने वैसे ये ज्यादती की। 75 साल से
50 साल कर लें 50 साल से कम जी बिल्कुल 50 साल से कम है। यानी 72 से पहले 50 साल, थोड़ा सा कम भी है थोड़ा सा ज्यादा भी है, तो वो ऑलमोस्ट यानी 72 के आसपास इंतकाल हुआ। वो तो आसान कर दिया सर उन्होंने, हमारा काम आसान कर दिया, 2-4 साल प्लस हमें एक तरह से हेल्प कर दिया। अगर वो कह देते ना हाँ जी तो पता नहीं 25 पे आ जाती बात, उन्होंने तो आसान कर दिया ऑलमोस्ट। थैंक यू वेरी मच। ठीक है जी, ये यंग जनरेशन काइंड भी बहुत, दे आर वेरी हेल्पफुल। इट वाज मी, एक्सक्यूज मी। अच्छा जी, ओल्ड जनरेशन इज ऑल्सो, नहीं आई थॉट ही टॉकिंग। अच्छा जी, अब आ जाएं इस पे 70s इंडियन शख्सियत, सियासत और हुकूमत, और 1972 के करीब 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 लेट 60s की तरफ भी अगर आप आ रहे हैं, 60s भी हो सकता है, 67 68 69 70 एक तो यूं खान है 75 तक आए। सिकंदर मिर्ज़ा, सिकंदर मिर्ज़ा है, और चौधरी खलीको ज़मान डाई इन पाकिस्तान, या बट ही डाइड इन 68। ये पूछ लें कि इफ एग्जीक्यूटिव या अदालत या सदर हुकूमत से अगर ताल्लुक है। नहीं सर, बड़े ओहदे पे रहे होंगे, इसका जवाब होगा यस। अब वो विफाकी वजीर रहे हो, नहीं प्रोविंशियल हेड रहे हो, गवर्नर रहे हो, गवर्नर हेड ऑफ गवर्नमेंट, हेड ऑफ गवर्नमेंट ही नहीं, मेरा मतलब है कि आप फिर ये कहें कि हुकूमती सरबरा, हाँ हुकूमती सरबरा पूछें, क्योंकि दो राय इसमें गवर्नर है प्रीमियर है, गवर्नर प्रीमियर एंड प्राइम मिनिस्टर, प्रीमियर प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट, प्रीमियर एंड प्राइम मिनिस्टर आर डिफरेंट थिंग्स। गवर्नर हमारे उसमें तो प्रीमियर है ही ना, प्राइम चीफ मिनिस्टर पहले था ना, पहले यही होता था 46 से पहले। अच्छा जी, हुकूमती सरबरा रह चुके हैं जी, हुकूमती ओहदे पर रह चुके हैं। ओहदे से मुराद थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए कि जब हम कहते हैं हुकूमती सरबरा रह चुके हैं तो इसका मतलब है कि प्राइम मिनिस्टर, प्रीमियर, गवर्नर, प्रेसिडेंट, ये कहते हैं हम, विफाकी वजीर हैं या अटॉर्नी जनरल हैं या चीफ जस्टिस हैं, वो हुकूमती सरबरा नहीं है, ओहदा जरूर है जी, हुकूमती सरबरा रह चुके हैं, रह चुके हैं। देखा ना जी, आसान हो गया, हुकूमती सरबरा। अब देखिए आपने जितने नाम लिए हैं जी, सिकंदर मिर्ज़ा भी उस पर फिट इन होते हैं, अयूब खान भी फिट इन होते हैं, ये दो हैं, और कौन है, गवर्नर अमीर मोहम्मद खान, अमीर मोहम्मद खान वाज गवर्नर पाकिस्तान, तो मेरे ख्याल सूबे का अगर हम कर लेना तो दैट वुड बी हेल्पफुल। जाइए, गो अहेड प्लीज। ताल्लुक पंजाब से जी नहीं, वो चले गए अयूब खान भी चले गए, हरिपुर मिर्ज़ा तो भी उधर है, अयूब खान भी हरिपुर है, हरिपुर है, सिकंदर मिर्ज़ा तो कराची में सेटल हुआ ना, हाँ तो कराची इज नॉट पंजाब, नहीं नहीं वही सिंध हो सकता है ना, सिंध हो सकता है, इस केस में सिंध है और केपी है। ताल्लुक सूबा सिंध से जी, सूबा सिंध से भी था, भी था, भी भी, दैट इज ट्रिकी पार्ट। सिकंदर मिर्ज़ा वाज फ्रॉम वेयर, बंगाल, ही वाज फ्रॉम बंगाल, भी हो गया ना फिर, उनके अबाओ अजदाद थे ना, मीर जाफर के साथ ताल्लुक है ना उनका, लोग पढ़ नवासे थे, और ये फैमिली नजफ से आई थी ओरिजिनली, बंगाल जाएंगे, बंगाल से भी ताल्लुक जी, बंगाल से भी था ताल्लुक। अब आ जाएं उस पे कि वफात उनकी पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर हुई, सिकंदर मिर्ज़ा की तो वलायत हुई थी, सोहरावर्दी की बैरूत में हुई, सोहरावर्दी की बैरूत में, बिल्कुल बिल्कुल, और दोनों का ताल्लुक बंगाल से, सब कॉन्टिनेंट से, सिंध से, सिंध से, और वो जो है सरबरा भी हैं, सोहरावर्दी वाज प्राइम मिनिस्टर, जिसका वाज प्रेसिडेंट, और ये पार्टीशन से पहले मुत्तहिदा बंगाल के चीफ मिनिस्टर थे, बल्कि प्राइम मिनिस्टर कहते थे उस वक्त, सोहरावर्दी साहब ना, वो तो बहुत बहुत बड़े लीडर थे, बहुत सर बहुत बड़े बड़े लोग उस वक्त वो रहे, चौधरी खलीको से मान रहे हैं, यस ही वाज बंगाल्स गवर्नर, गवर्नर बंगाल, बहुत तगड़ा होता है। और तो ये पूछा जा सकता है कि इंतकाल मुल्क से बाहर हुआ, तो इट विल रूल आउट दीज टू, फिर यू विल बी लेफ्ट विद खलीको ज़मान ओनली, बिल्कुल। क्यों जी, इंतकाल मुल्क से बाहर हुआ जी नहीं, जी नहीं, जी नहीं, नो मोर क्वेश्चंस, वी आर होम, वी आर होम, खलीको ज़मान, जोरी खलीको ज़मान। अच्छा जी, पाथवे टू पाकिस्तान के ऑथर को पूछा आपने जी, बिल्कुल, चौधरी खलीको ज़मान, बहुत अच्छे, क्या बात है।
चौधरी खलीको जमान का ताल्लुक यूपी से था और वो लाहौर रेजोल्यूशन 1940 वाली उसको सेकंड करने वाले यानी ताईद करने वाले थे और ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग के पहले कन्वीनर और सदर थे। मौलवी फजल हक ने उन्होंने पेश किया था और इन्होंने उसकी ताईद की थी। आई प्रपोज एंड आई सेकंड। इत्तेफाक देखें कि उनका जिक्र पिछले कसौटी में हमने किया था और बहुत उम्दा किताब है पाथवे टू पाकिस्तान और उर्दू में भी ये अवेलेबल है शाहराए पाकिस्तान और ज्यादा डिटेल्ड है वो अंग्रेजी वर्जन से। जी जी जी। तो नेक्स्ट चैलेंजर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फैजुर रहमान वट्टू है जी। वट्टू किधू आया है? जनाब उकाड़े आया और कितना वेरी गुड। मेरे साथ मेरे दोस्त है मुजफ्फर हसन दानिश। ये भी उकाड़े से आए? नहीं सर, इनका ताल्लुक जड़ा वाला से। वट्टू साहब शख्सियत मर्द? नहीं सर जी, खातून। जी जी। जिंदा है? जी सर। जिंदा खातून। ताल्लुक एशिया से? नहीं सर। यूरोप से? जी सर। यूरोप से जिंदा खातून? मेनलैंड या ब्रिटेन? यूरोप से ताल्लुक है तो गोया मेनलैंड यूरोप से? जी सर मेनलैंड यूरोप से। मेनलैंड यूरोप, सेंट्रल यूरोप पे आ जाए। जर्मनी? मर्कल को तो नहीं पूछ लिया उन्होंने? ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रिया। मर्कल इज जर्मनी। मर्कल इज पहले लाइन डिटरमिन करेंगे ना जब आप एंजेला मर्कल की तरफ जाइए। हो सकता है शोबिज़ हो। बिल्कुल बिल्कुल पॉसिबल। हो सकता है मौसीकी हो, हो सकता है कल्चर हो, आर्ट हो, इल्म फजल हो। ताल्लुक सियासत और हुकूमत से? बिल्कुल सर। ओ वाह, जर्मनी में ताल्लुक जर्मनी से है? बिल्कुल सर। अभी अभी इख्तदार से निकली हैं? जी बिल्कुल। चांसलर रही हैं? बिल्कुल रही हैं। एंजेला मर्कल? अच्छा नहीं है, एंजेला मर्कल क्यों कह रहे हो मैं? अगर फिर अपने जितनी इंफॉर्मेशन है आपके पास वो पहले पहले रखो। हाँ प्लीज। दुनिया की पहली ओवर एंड अंडर गन उनके नाम पे बनी। बिल्कुल सर। मर्कल, एंजेला मर्कल पूछिए आप। बिल्कुल सर। साहब की इंफॉर्मेशन दी है उन्होंने अपने हिसाब से। ओवर एंड अंडर गन है यार, ये कोई मजाक नहीं। ओवर एंड अंडर और उसका नाम ही मर्कल है। बड़े जर्मनी की बड़ी उनकी बड़ी खिदमत है। चांसलर, शी हैड अ वेरी लॉन्ग पीरियड और बहुत कुछ किया उन्होंने। और उनकी रिटायरमेंट है फ्रॉम पॉलिटिक्स मोर ऑर लेस जब वो स्टेप डाउन हुई है और जर्मनी ने बहुत ज्यादा उनको ऑनर किया है उस पर। ये भी एक चीज मेंशन करने की जरूरत है कि जर्मनी अलाउड रेफ्यूजीज फ्रॉम सीरिया under Angela Merkel. Wow. And she was from East Germany. She is from East Germany. Originally, जो East Germany होता था, वहाँ से थी। और बहुत सादा खातून, अपने घर के काम खुद करती हैं। मुझे बहुत पसंद Angela Merkel, मेरी favorite personalities में से एक हैं। बिल्कुल। और खास तौर पे मुझे रमजान में वो बहुत याद आती हैं। जो special pricing करती हैं, जाके खुद चेक करती थी। और सबसे पूछती थी, अच्छा क्या तोहफा दे रहे हो तुम मुस्लिम्स को? जी नॉन मुस्लिम्स के कहा करती थी कि बताओ ना तुम क्या तोहफा दे रहे हो। जर्मनी में बहुत बड़ी पॉपुलेशन है टर्किश की और अल्बेनियंस की। नेक्स्ट चैलेंजर्स की तरफ चलते हैं एंड द फैमिलीज है ऑल द वे फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। अच्छा जी, ऑस्ट्रेलिया। वाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम हमजा अहमद। हमजा साहब आपके साथ आपकी मिसेज का नाम? जी सोबिया अहमद। और आपके साहबजादे हैं साथ? जी वली अहमद। ऑस्ट्रेलिया में किस शहर से हैं? पर्थ। हमजा साहब शख्सियत मर्द? जी सर। जिंदा? नहीं सर। ताल्लुक एशिया से? नहीं। ताल्लुक अमेरिका से? नहीं सर। ऑस्ट्रेलिया से ही है ताल्लुक। यूरोप से? जी सर। अच्छा, तीन बार चलते हैं ना। एक क्वेश्चन बच गया। जी जी, यूरोप से ताल्लुक। अब यूरोप भी डिटरमिन करना है कौन सा मेनलैंड है। यूरोप जी ये बताइए कि मेनलैंड यूरोप है? भी भी मेनलैंड से भी है। ब्रिटेन होगा या आयरलैंड होगा? आयरलैंड होगा जी। भैया फौतकी सर, फौतकी नहीं, नहीं फौतकी से पहले पहले ये तो डिटरमिन कर लें कि भी है जो है। इनका ताल्लुक यूके से है? नहीं सर। नहीं। फिर आयरलैंड? फिर आयरलैंड या कॉर्सिका भी है?
नेपोलियन है। हाँ हाँ, कॉर्सिका, कॉर्सिका का आइलैंड भी है ना जो है ना। नहीं वो नेपोलियन नहीं, इसलिए हो सकता कि नेपोलियन का ताल्लुक फ्रांस से है। वैसे फ्रांस से है, ताल्लुक भी एक कॉर्सिकन भी है ना उसकी। ठीक है, हिज बर्थ वाज इन कॉर्सिका। अगर ईरा ईरा की तरफ जाए सीधा जाए 200 साल पे। नहीं तो अभी हमने डिटरमिन मुल्क तो डिटरमिन नहीं किया। ताल्लुक आयरलैंड से है भैया? जी सर। हाँ देखा ना, आयरलैंड एंड यूरोप, ये तो मुझे कोई साइंटिस्ट लग रहा है, मुझे कोई अदीब लग रहा है। अदीब भी हो सकता है बिल्कुल, आयरलैंड आयरिश राइटर्स भी हैं। चलिए सियासत और हुकूमत से शुरू करें, साइंस से शुरू करें, टेक्नोलॉजी से, व्हाटएवर। नहीं पहले पीरियड डिटरमिन करने ना। जी शकील साहब, 100 साल से शुरू करें। 100 साल से ज्यादा हो चुका है जी इंतकाल को? जी सर। 1922 से पहले, ये 19th सेंचुरी में जाएगी बात। 200 साल से पूछें? जाइए। 200 साल से भी ज्यादा? नहीं, वैसे 100 के बाद 150 पे आ जाएगा क्योंकि ठीक अब 1822 से 19 इवेंटफुल पीरियड जो है ना वो ये 150 साल। अब ये मुझे जो राइट पोएट वगैरह लग रहे हैं ये कोई वजह शोहरत हमजा साहब इल्म व फजल है जी। कोई अदीब है? हाँ अदीब है, पोइट है, बेसिकली पोइट है। पोइट है या नॉवलिस्ट है या बोथ है? समरसेट मॉम, समरसेट मॉम नहीं, वो तो 60s में डेथ हुई उनकी, 60s में। ठीक है, शेले गया था यूरोप लेकिन ही वाज ब्रिटिश, ही वाज इंग्लिश। बायरन वाज इंग्लिश, लॉर्ड बायरन। लेकिन सर वो भी आयरलैंड से नहीं था? नहीं, लॉर्ड बायरन वाज लंडनर था। लंडन ही वाज इंग्लिश, बड़ा लंडन में उसका, ही वाज इंग्लिश। टू डाई इन ग्रीस, टू डाई इन ग्रीस। हां मुंह उठा के चला गया ऐसे मुजाहिद बन के, वो वहां मजलूम के साथ बेसिकली एडवेंचरर था सर, शायर था, शायर भी था, एडवेंचरर भी था, मजलूम का साथ देता। लॉर्ड बायरन 1840s में बहुत जबरदस्त किस्म का वो फैमन आया था, पोटैटो फैमन। बहुत से आयरिश जो थे अमेरिका चले गए, दूसरे मुल्कों में चले गए, यूरोप में भी आ गए थे। Yes. आपका पूरा जो ईस्टर्न कोस्ट है अमेरिका का, yes. वो ज्यादातर है ही आयरिश, आयरिश इंक्लूडिंग द कैनेडीज, इंक्लूडिंग द कैनेडीज। जब वो शिनफेन और आयरिश जो रिपब्लिकन आर्मी, रिपब्लिकन आर्मी, तो उनकी बहुत ज्यादा सपोर्ट जो है वो आयरिश है जो अमेरिका में थे उनसे, डायस्पोरा जो था उससे उनको जो है बहुत इमदाद आती थी, स्पेशली फंडिंग, ममनुआ फंडिंग। ये कुछ डबलन से है, डबलन एयर। अब कौन से हैं पोइट्स? ब्राउनिंग, ऑस्कर वाइल्ड, ऑस्कर वाइल्ड, बट ऑस्कर वाइल्ड ये इतने पुराने नहीं है। नहीं नहीं वो नहीं है, 1922 से पहले नहीं है ऑस्कर वाइल्ड। ऑस्कर वाइल्ड इज मच, ऐसे तो येट्स भी थे लेकिन वो भी उस जमाने के नहीं है। येट्स भी है लेकिन मैं बता रहा हूँ ये वो है, लेकिन येट्स इज 1922 से पहले, 1930s आई थिंक ही डाइड इन 1930s। आई थिंक सो येट्स ने, ये ब्राउनिंग के लिए केस ज्यादा तगड़ा। ब्राउनिंग आपके वेपन भी है। ओह क्या बात, देखिए ना मर्कल के फौरन बाद ब्राउनिंग आ गया। देखिए ना कैसी बात है, इनके नाम पे वेपन, वेपन्स हैं। पूछ ले, पोएट हैं कोई? जी पोएट हैं। वजह शोहरत यानी शायरी है, शायरी भी है, और ऐसा यूरोप से भी ताल्लुक है, ताल्लुक है। इसका मतलब है यूरोप गया, वो एडवेंचरर भी होगा ना। वो तो फिर लॉर्ड बायरन था सर। अब लॉर्ड बायरन को आप कह रहे हैं कि ही वाज डेफिनेटली इंग्लिश, बहुत बड़ा शायर था, बहुत। टू डाई इन ग्रीस के पीछे जाएं सर? हाँ मुझे उनकी, क्योंकि पीरियड उनकी एक पोइम याद है जी, ठीक है। और वो इन सीक्रेटली मेट इंसान इन साइड ग्रीव, जी जी जी, दाय हार्ट कुड फॉरगेट दाय स्पिरिट डिसीव, इफ आई शुड मीट दी आफ्टर लॉन्ग इयर्स, How should I greet thee with silence for tears? वाह 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 वाह। एक अंग्रेजी शेर सुनाया। जी। वाह। फिर एडवेंचरर पूछ लें ग्रीस में। लिम्प करते थे। हाँ लिम्प करता था। सीधी सी बात है। लिम्प करता था, because he had been injured. क्यों जी चलते हुए थोड़ा सा लिम्प करते थे? नहीं। फिर ये लॉर्ड बायरन नहीं। बायरन नहीं है। अब हमें पता चला कि सवाल पूछा किसने? की बेगम साहब ने। हाँ। अभी हमें जब भी मुश्किल में डाला ना भाभियों ने डाला। वो टैंक वाले भाई साहब का भी यही मामला था, वो जरा बताने लगते थे तो बेगम साहब से पूछते, वो कहती नहीं ये कहती थी हमेशा। एंड शी वाज अ प्रोफेसर। टीएस एलियट कहां से है? वो तो ब्रिटिश था। टीएस एलियट लेकिन बॉर्न अमेरिका में, बॉर्न मिजूरी। यस ही वाज बॉर्न इन अमेरिका, बॉर्न केम टू इंग्लैंड ब्रिटेन। यस एलियट,
और उनका तो ईरा भी बहुत बाद का है. टेनिसन लीली टेनिसन चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड. टेनिसन कोलरिज वर्ड्सवर्थ. वर्ड्सवर्थ इज लेक डिस्ट्रिक्ट. कोलरिज इज इंग्लिश. शेले इज इंग्लिश. कीट्स इज इंग्लिश. शेले कीट्स ये सारे जो रोमांटिक पोइट्स हैं. एंड दे वर मच अर्लियर. तो फिर लॉर्ड बायरन भी थे. वर्ड्सवर्थ डैफोडिल. नहीं सर ये तीन जो है ना शेले बायरन एंड कीट्स बाकी सारे इनके बाद आते हैं. चौसर से शुरू होता है. मिल्टन. मिल्टन भी है. पैराडाइज लॉस्ट. पैराडाइज लॉस्ट. पैराडाइज रीगेन. आयरिश पे आए ना. आयरिश तो सर बेस्ट जो मुझे याद है ना आपस की बात है जिससे मैं बहुत इंप्रेस्ड हूँ वो ऑस्कर वाइल्ड है. ब्राउनिंग है. ब्राउनिंग है. ऑस्कर वाइल्ड तो लेटर है. ये तो पक्का है. तो फिर ब्राउनिंग पे चले जाएं. आप ब्राउनिंग पे क्लोज करें. वेपन के नाम. अच्छा जी किसी वेपन का नाम है इनके नाम से मुमासलत रखता जैसे ब्राउनिंग है. नहीं खुद ही तो मारा था. डी एच लॉरेंस हम कर चुके हैं पहले. नहीं डी एच लॉरेंस नहीं किया. वो लेडी चैटरलेज लवर. लेडी चैटरलेज लवर एंड कैप्टन्स डॉल. ही इज फ्रॉम दैट पीरियड 1900. लेकिन ये पोएट है. इन्होंने क्या पोएट है. इन्होंने क्या शायर है. शायर है. इन्होंने कहा वजह शोहरत सिर्फ शायरी नहीं है. डीएच लॉरेंस को भी आप ईयरमार्क कर लें. अभी तक हमने दूसरी उनकी वजह शोहरत जो है वहां तक नहीं पहुंचे. वजह शोहरत पोएट्री भी है. भी है ना. तो सर फिर ये प्ले राइट भी है. फिर ये नॉवलिस्ट भी है. फिर ये ऑस्कर वाइल्ड. चले आ जाए. दरमियान हुआ जी. द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे इन्हीं की तख्लीक है जी सर. ऑस्कर वाइल्ड पूछा. नेक्स्ट चैलेंजर कैसा लग रहा है वैसे आज आपको स्पेशली. वन साइडेड. कभी आपके पास है ना. आई एम नॉट एंजॉयिंग. आई एम नॉट फॉर अ चेंज. फिर आज हम सर हम एक बुक भी करते हैं. एक और कर सकते हैं हम. खास आज हम तीन है ना. जी जी. तो हर चैलेंज के साथ दो को इजाजत हो. नहीं नहीं इसका ये फायदा है कि एक जो है जी वो रुखसत ले सकता है. ओ. तीनों में से एक जब चाहे. ठीक है ना जी. ये एक बड़ी आम बात. ज्यादातर आप होंगे वो क्योंकि आवारा गर्दी सबसे ज्यादा आप करते हैं. वाँ वाँ वाँ. और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फर्स्ट टाइम ब्रीदर मिलेगा. ये पहला शो है जिसमें से मेरी गैर मौजूदगी अच्छा खटकेगी नहीं. नहीं सिर्फ एक आपको अलाउड नहीं है बाकी इन दोनों में से कोई भी. नहीं क्यों नहीं अलाउड. ये लॉ मैंने मंजूर ही अपने लिए करवाया. नहीं 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 ना मंजूर. ना मंजूर. आजकल का लव्ज ही है ना मंजूर. नहीं 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 इंपोर्टेड लॉ. ना मंजूर. एक दूसरे को सपोर्ट फराहम करेंगे. मेजॉरिटी इज अथॉरिटी. मेजॉरिटी इज अथॉरिटी कौन कहता है. दिस शो इज नॉट डेमोक्रेटिक. मेजॉरिटी इज मॉब. ओह दिस शो इज नॉट डेमोक्रेटिक एट ऑल. आइए जी नेक्स्ट पर्सनैलिटी. कॉन्फिडेंस कहाँ गया आपका. कॉन्फिडेंस की बात ही नहीं है इधर. या तो सवाल कम करने पड़ेंगे या कुछ करना पड़ेगा हमें. 15 पे ले आए आप टू मेक इट इंटरेस्टिंग. आप 15 से भी पहले फिलहाल कर लेंगे. 15 कर 15 करने इस झंझट से निकले. लेकिन जिस दिन दो होंगे ना उस दिन 20. हाँ ठीक है ना. डन. इस पर्सनालिटी के लिए 15 सवाल. 15 सवाल नहीं है जिना करो. चलती कसौटी थोड़ा चैलेंज होना चाहिए. चलती का नाम कसौटी. ओके चलती कसौटी में 15 सवाल जी. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. क्या नाम है आपका. मेरा नाम राना वैस और ये मेरे दोस्त हैं सैयद अली मेहदी. आपका ताल्लुक कहाँ से है. हम दोनों ही लाहौर से हैं. लाहौर. वेलकम टू द शो. थैंक यू. शख्सियत मर्द है. हाँ जी. जिंदा है. हाँ जी. एशियाई है. नहीं. अमरीकी है. नहीं. यूरोपी है. नहीं. यूरोपीय है ना. अमरीकी एशियाई है. ये ऑस्ट्रेलिया ना जाए. आपका बड़ा फेवरेट क्रिकेटर होगा कोई. ताल्लुक ऑस्ट्रेलिया से है भैया.
हाँ जी। अरे वाह, स्पोर्ट्समैन है कोई? हाँ जी। क्रिकेटर है? नहीं, क्रिकेटर नहीं। ओ हाँ हाँ हाँ, रिक चार्ल्सवर्थ है, हॉकी भी, फुटबॉल भी खेलता था। गोल्फर कोई बड़ा मशहूर ऑस्ट्रेलियन? एक ऑस्ट्रेलियन तो एक है ना, वो ही वाज नोन एज द शार्क, ठीक है ना, वो जो टोपी भी पहनता था, उसकी कपड़ों की लाइन भी है, बेबी शार्क डू द सिंबल ऑफ द शार्क। आई एम ग्लैड कि एक ऑस्ट्रेलियन जो क्रिकेटर नहीं है। नहीं यार, मुश्किल हो गई। मुश्किल कैसे हो गई सर, हमारे पास चार्ल्सवर्थ है ना। लेकिन 15 सवाल ने भी ध्यान रखना। हाँ जी, आठ हो चुके। क्वाश का भी प्लेयर था ना ऑस्ट्रेलिया? जेफ हंट तो बरतानवी नहीं, फंड या ऑस्ट्रेलियन था? टेनिस प्लेयर ऑस्ट्रेलियंस हैं। राणा साहब? हाँ जी। ये हॉकी प्लेयर है? नहीं। इज ये स्क्वाश प्लेयर? नहीं। 10 सवाल। गोल्फर है कोई? नहीं सर। कुछ छुपन छुपाई का प्लेयर मेरे? अच्छा, एक वो है, हैरिक्यूल है, जो फुटबॉल प्लेयर है, जो इंग्लिश प्रीमियर लीग में भी खेला है, ऑस्ट्रेलिया के लिए भी खेला है, और एक्चुअली वर्ल्ड कप में उसका गाउट की वजह से वो आउट हुआ था। फुटबॉलर है भैया? नहीं सर। बहुत अच्छे, 12 Now we are in interesting. We are in trouble. अच्छा जी, he was not a cricketer. He's not a cricketer. He's not a footballer. He's not a hockey player. He's not a golfer. ये भी हो सकता है कोई क्रिकेट का अंपायर हो सकता है। क्या नाम है जो बड़ा बदबूदार किस्म का अंपायर है, जिसकी बड़ी कंट्रोवर्सीज हैं? डैरिल हेयर। हाँ, डैरिल हेयर। रण साहब, कोई अंपायर पूछा आपने? हाँ जी। माशाल्लाह, ये कैसे? देखें, हमने जब पूछा था कोई क्रिकेटर, तो हमें पूछना चाहिए था, ये फॉर फ्यूचर एजुकेशन है कि क्रिकेट से मुतालिक शख्सियत, कमेंटेटर हो सकता है, कोई अंपायर हो सकता है, ऑफिशियल हो सकता है, ऑर्गेनाइजर हो सकता है। अच्छा जी, अब ऑस्ट्रेलियन अंपायर जो है वो बहुत ज्यादा नहीं है। डैरिल हेयर इज द मोस्ट वेल नोन ऑस्ट्रेलियन अंपायर। He kept calling मुरली धरन के इसका एक्शन जो है वो इलीगल है। जी सर। हालांकि मुरली की प्रॉब्लम ये थी, उसका हाथ जो है वो बचपन से डिफॉर्म था, जैसे चंद्रशेखर का। जी जी, एक हाथ पोलियो, हाँ, पोलियो की वजह से डिफॉर्म। तो मुरली धरन से पहुंच जाए? मुरली धरन से पहुंचे। क्यों जी, मुरली धरन से मुतालिक कोई कंट्रोवर्सी थी इनकी? नहीं नहीं नहीं। 14 questions, one to go. क्या इधर आप लोगों को मेरी जरूरत पड़ेगी? नहीं 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 नहीं। हाँ हाँ, आपकी जरूरत पड़ेगी। नहीं पड़ेगी, दो चार नाम। नहीं, ये वाला अब आउट हो गया है, ये ऑप्शन नहीं है अब। अंपायर का मुझे मेरे ज़हन में है, लेकिन नाम नहीं आ रहा। He's a smart person, overweight नहीं है, बड़ा फिट है। So if you give them the description, I think they will consider it. इसने काफी मैचेस में अलीम डार के साथ भी अंपायरिंग की है। लैटमा करदा नाल और यंग सी लुक या है। उसके और थोड़े से खवास बयान कर दें और हम जीत जाएंगे। नाम ना भी है, ये कौन है जी? यूं करता है। हाँ, ये वही नहीं है क्योंकि ये बड़ा एटमा का बड़ा बड़ा। नहीं जी, हमें नाम नहीं आता, नहीं आ रहा। वही मैं कह रही हूँ, अगर मैं एक एक बात बता दूं तो चलेगा? ये बता दे। ये तो मैं कह रहा था, ये करता है, वो यूं ही करता है ना। चैलेंजर नाम बता दे। बिली बाउडन पूछे। बाउडन, बाउडन, ये तो वही है। हाँ हाँ, बिली बाउडन कह रहा था, यूं करता। तो नेक्स्ट चैलेंजर। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? यासिन मिठा, मेरे कजन है अफजाल। जी मिठा साहब, शख्सियत मर्द है? जी। जिंदा? जी। एशियाई? जी। ताल्लुक साउथ एशिया से? जी। तो गोया पाकिस्तान से? बिल्कुल। शोबे पे आ जाए सीधा सीधा। ताल्लुक सियासत और हुकूमत से? बी है। दूसरा शोबा? दूसरे शोबे पे जाने की बजाय ज्यादा बेहतर रूट बताऊं आप? पार्टी की तरफ आ जाए। पार्टी की तरफ? तीन मेजर पार्टीज आपकी, उनमें से एक के साथ ताल्लुक होगा। नॉट नेसेसरी। जिंदा है ना सर? जिंदा है। दूसरा सियासत और हुकूमत के साथ साथ वो कुछ
बिजनेसमैन होगा, बड़ा लॉयर भी हो सकता है, इत्तेहाद भी हो सकता है। हाँ, इत्तेहाद हो सकता है। तो सूबे की तरफ जाएं, पार्टी की तरफ, पार्टी की तरफ इत्तेहाद को नैरो कर, ठीक है। पीपीपी ताल्लुक पीपीपी से है भैया जी, इंडस सागा के राइटर हैं अभी, स्लो। हाँ भाई जी जी, अच्छा ठहर दें, अभी ठहर दें। एहसन अली के साहबजादे हैं जी। अच्छा अभी अभी सवाल हुए सर, नाइन। अभी हमने अंपायर वाला इंतकाम लेना है। अंपायर वाला। उर्दू शायरी भी फरमाते हैं जी। रियासत होगी माँ के जैसी जी। अच्छा ये चौधरी इफ्तखार के ड्राइवर भी थे। हाँ चौधरी इफ्तखार चीफ जस्टिस के, मैं तारीखी तौर पे ठीक बता रहा हूँ, गलत तो नहीं बता रहा। सर उनकी तारीख में शामिल थे नहीं, उनके ड्राइवर भी थे। मैं जज को कोर्ट अनकोर्ट कह रहा हूँ, चीफ जस्टिस सेड आई मिस माय ड्राइवर। आपने इंतजार हासिल पूछा भाई जी। ये थी आज के एपिसोड, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।